कांग्रेस ने विजय संकल्प शंखनाद यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव का विकल्प। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा में विगत दिनों कांग्रेस में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य का कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद जनसभा के माध्यम से आगाज कर दिया है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल विधायक संजीव आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। नव भारत समाचार हल्द्वानी से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। सभी से मेरी प्रार्थना है आगे से के हजारों की संख्या में यहां तक पहुंचे मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, पीछे कुर्सी में बैठ जाएं सभी लोग, जोशी जी, राणी जी, सभी लोग, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप आए, आपका धन्यवाद। समस्त मेरी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग और हमारे, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज आप लोग देख रहे हैं। राजू, शंखनाद रैली का आयोजन किया गया है, किस प्रकार से जनसभा उतरा है कांग्रेस का? और ये शंखनाद किस प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ की जा रही है 2022 में भाजपा को? और पूछना चाहता हूँ कि कल आप राजपुरा हमारे दलित भाई के घर में गए, आपने भोजन किया, लेकिन उससे पहले आपने अपनी सभा में ऐसे व्यक्ति जो खराब रही, जो भाजपा की क्या नीति खराब रही, की कार्रवाई हुई है, तो एक ऐसा डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हाथ उठाने के लिए लीजिए, ये सरकार नहीं रहेगी, ये सरकार को चलना होगा और बहुत लोग को उठाना होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश का युवा, हमारे प्रदेश की माताएं बहने, हमारे प्रदेश के लोग सुहास की सरकार चलेंगे, जो सबकी सुनेगी, फिर से करेगी और सबके उद्धार के लिए कार्य करेगी। आज मैं विशेष बधाई देता हूँ